हेलो वेलकम अगेन। वी आर सॉल्विंग गेट 2013 एरोस्पेस इंजीनियरिंग पेपर। क्वेश्चन नंबर 47 इज कंसीडर टू रॉकेट पी एंड क्यू फायर्ड वर्टिकली अप विद आइडेंटिकल स्पेसिफिक इंपल्स एंड ए पेलोड ऑफ 2 kg। रॉकेट पी हैज 2 आइडेंटिकल स्टेजेस एंड ई स्टेज हैज 20 kg ऑफ प्रॉपलेट एंड 200 kg ऑफ प्रॉपलेट एंड 20 kg ऑफ स्ट्रक्चर वेट। रॉकेट क्यू हैज ए सिंगल स्टेज विथ 400 kg ऑफ प्रॉपलेट एंड 40 kg ऑफ स्ट्रक्चर वेट। नेगलेक्टिंग ड्रैग एंड ग्रेविटी इफेक्ट द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पी टू दैट अटेंड बाय क्यू इज ऑप्शन ए 1.13, ऑप्शन बी 1.23, ऑप्शन सी 1.33 एंड ऑप्शन डी 1.43। सो फॉर रॉकेट पी विच हैज 2 स्टेजेस द चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी इज गिवन बाय आई एस इज स्पेसिफिक इंपल्स, जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन विद ग्रेविटी प्लस एल एन 1 बाय मास रेशियो ऑफ फर्स्ट स्टेज प्लस 1 बाय एल एन 1 बाय मास रेशियो ऑफ सेकंड स्टेज। ओके सो मास रेशियो फॉर द फर्स्ट स्टेज इनिशियली वी हैव ऑल द मास ऑल द 2 स्टेजेस मास दैट इज 200 प्लस 200 ओके दैट इज 400 एंड ऑल द प्रोपेलेंट 40 एंड 40 और 20 एंड 20 440 एंड पेलोड विल आल्सो पेलोड इज 2 kg। सो इनिशियली वी हैव 442 kg एंड आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ओनली प्रोपेलेंट विल बी कंप्लीटेड दैट विल बी सो फाइनल मास आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ फर्स्ट स्टेज विल बी 242। सो नाउ आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ फर्स्ट स्टेज द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट स्टेज इज रिमूव्ड। सो द इनिशियल मास एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड स्टेज इज 242 माइनस 20 बिकॉज स्टेज मास स्ट्रक्चर वेट इज 20 kg सो इट विल बी 223 एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड स्टेज द प्रोपेलेंट इज कंज्यूम 200 kg प्रोपेलेंट इज कंज्यूम। सो द फाइनल मास आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड स्टेज इज 20। सो फ्रॉम दिस वी हैव डेल यू पी इज इक्वल टू आई एस जी इंटू 2.914। Now rocket Q has only single stage, so after the before the at the start of the stage the mass will be at 442 kg and at the end of the stage the structure mass of structure mass and payload will be remaining. So structure mass is your 20 if you compare it with this stage 20 here 40 and 2 kg is payload. So the final mass after the completion of the stage of Q is 42 not 22 because we have to take the structure mass of this stage also because here this only single stage. So well U2 will be at this point. Okay, so the ratio will be 1.23 option B is